जय हिंद दोस्तों, पीसीएस में निधि में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण, और पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे आज हम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगामी एग्जामों के लिए भी, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों होता क्या है, जितने भी सजीव होते हैं यानी जितनी भी चीजों में जीवन है वो दो तरह की होती है। एक तो होते हैं उसमें जंतु, जिसे बोलते हैं एनिमल, और एक होते हैं पादप, जिन्हें बोलते हैं प्लांट। धरती पर जितनी भी सजीव चीजें हैं जिनमें जीवन है वो दो हैं, एक तो जंतु हैं, एनिमल मनुष्य भी एक एनिमल है, और दूसरा पादप, इन्हीं में जीवन होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मनुष्य को मान लें कि मनुष्य में क्या होती है, प्रोटीन होती है, और ये प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो इसमें हमें नाइट्रोजन पढ़ना है कि मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजन कहां से आया। हमारा शरीर का लगभग 15-17% प्रोटीन से बना होता है, और हम बाहर से भी प्रोटीन लेते हैं, तो ये प्रोटीन में जो नाइट्रोजन होती है वो कहां से आती है। तो हम जो प्रोटीन लेते हैं वो अल्टीमेट कहीं ना कहीं पादपों से आती है। अब कोई कहेगा कि हम मांसाहारी है, अगर मैंने बकरे का मांस खाया तो उसमें नाइट्रोजन कहां से आएगी, तो बकरा कहीं ना कहीं पादप खाएगा, तो अल्टीमेट सोर्स हमारी बॉडी में प्रोटीन या अमीनो अम्ल का, या प्रोटीन और अमीनो अम्ल जिससे मिलकर बनती है, वो नाइट्रोजन होता है उसमें एक घटक। वो नाइट्रोजन का जो अल्टीमेट सोर्स है वो पादप होते हैं। हमारे शरीर में नाइट्रोजन अगर कहीं है तो वो अमीनो अम्ल में है, प्रोटीन में है, उस नाइट्रोजन का अल्टीमेट सोर्स होता है पादप। अब पादप क्या करते हैं, या तो कोई चीज जड़ों से लेते हैं, मृदा से, पादप नाइट्रोजन कहां से लेंगे, या लेंगे वायुमंडल से, और वायुमंडल हमने पढ़ा है 78% क्या होती है, नाइट्रोजन, इसे बोलते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। तो पौधे क्या होते हैं, नाइट्रोजन कहां से लेते हैं, ये समझना है। तो जब पौधे होते हैं वो कोई भी पोषक तत्व तो लेंगे, तो मृदा से लेते हैं या वायुमंडल से। अब ये नाइट्रोजन कहां से लेंगे, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, लेकिन इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये जो पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नहीं ले सकते, सीधे तौर पे नहीं ले सकते, ये समस्या है पौधों के साथ। अगर पौधे से ले नहीं पाएंगे तो हमें कहां से नाइट्रोजन मिलेगी, हमें हमारे शरीर में प्रोटीन वगैरह कैसे बनेगी। तो इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जो कि एक तत्व है, एक यौगिक में बदलना पड़ेगा, नाइट्रोजन यौगिक में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा, यौगिक। यौगिक में क्या होता है, एक से अधिक तरह के परमाणु होते हैं, जैसे NH3 या नाइट्रेट, और इस नाइट्रेट को पौधे ये मिट्टी में मिल जाएंगी, और मिट्टी से फिर पौधे ले लेंगे डायरेक्ट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको आपको यौगिक में बदलना पड़ेगा। ये एक तत्व है, तत्व का मतलब होता है एक ही तरह के परमाणु होना, इसमें केवल नाइट्रोजन के परमाणु है, N2 है, इसको पहले यौगिक में बदलना पड़ेगा, फिर उस यौगिक को, उस यौगिक का नाम है नाइट्रेट मेनली, पहले अमोनिया बनेगी फिर नाइट्रेट बनेगा, और उस नाइट्रेट को पौधे डायरेक्टली ले सकते हैं। तो ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है इसको नाइट्रेट में बदलने का प्रोसेस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आई होप यहां से आपकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि पौधे नाइट्रोजन पर्यावरण से कैसे लेंगे, वायुमंडल से, वो नाइट्रोजन पहले बदली जाएगी नाइट्रेट में, और जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है या तो जीवाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया, जीवाणु लिख दो बैक्टीरिया, या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन नील हरित शैवाल, ये प्रोसेस कौन कर रहा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलेगा, या तो बैक्टीरिया या नील हरित शैवाल। बैक्टीरिया कौन से हैं, नंबर एक राइजोबियम, नंबर दो एजोटोबैक्टर,
नंबर तीन क्लोस्ट्रिडियम। नीलहर शैवाल कौन सा है? नंबर एक एनाबिना, एनाबिना नोस्टॉक। ठीक है, मेरा कहने का मतलब जिस वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलेंगे? या तो बैक्टीरिया या नीलहर शैवाल। बैक्टीरिया कौन से हैं? कई बार आए हैं। इनमें से कौन से बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं? तो कई बार एग्जाम में आया है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम। ये तीन जीवाणु कहां पाए जाते हैं? तो ये जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों की, जैसे ये दलहन का फसल है तो इसकी जड़ों में क्या होता है? गांठियां होती हैं, इस गांठों में पाए जाते हैं ये जीवाणु। तो दलहनी फसलों में पाए जाते हैं। दो क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आए हैं, इनमें से कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है? तो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम। कहां पाए जाते हैं? तो दलहनी फसलों की जड़ों में। अब ये नीलहर शैवाल कहां पाए जाते हैं? ये दोनों एनाबिना नोस्टॉक, तो ये आप पाए जाते हैं ये धान की खेत में। तो यहां से ये जो है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा एग्जाम में कई बार आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि पादप होते हैं उसमें जो नाइट्रोजन जो यूज करते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को यूज नहीं करते। उस वायुमंडल की नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु और नीलहर शैवाल नाइट्रेट में बदलते हैं पहले। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजनस्थिरीकरण। और वो जीवाणु होते कहाँ हैं? वो या तो धान की फसलों में होते हैं या फिर आपके दलहन की दलहन की जड़ों में उसकी जड़ों में गांठ होती है उसमें रहते हैं। वो जीवाणु कौन कौन से होते हैं? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, है ना। और इसी काम को कौन करता है? नीलहर शैवाल भी करते हैं धान की खेती में। इन नीलहर शैवालों का कौन कौन से नाम है? एनाबिना और नोस्टॉक। ये एग्जांपल याद रखना है आपको। तो कुल मिला के उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक काम इसका उल्टा भी होता है, उसे बोलते हैं विनाइट्रीकरण। ये उल्टा काम है इसका, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं इसको। इसको क्या होता है कि इसमें ये नाइट्रेट जो होती है इसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलेंगे। ये भी एक जीवाणु होता है, वो करता है स्यूडोमोनास। ये जीवाणु होता है, लेकिन ये प्रोसेस धीमा होता है, ये प्रोसेस काफी धीमा होता है डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण का। इसमें क्या होता है? बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस। लाइट चली गई। बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है इसमें। इसमें नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदला जाता है स्यूडोमोनास जीवाणु द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।